हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर वन का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज सेंट्रॉइड और सम स्टैंडर्ड शेप अगर रहते हैं तो उनका सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला भी देखा था हर एक केस में, और पिछले वाले लेक्चर में दो प्रैक्टिस सम भी किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड निकालने के ऊपर कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस सम करेंगे। तो जो क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, लोकेट द सेंटर ऑफ द शेडेड प्लेन लैमिना एज शोन इन फिगर। तो जो फिगर है वो मैंने साइड में दूसरे पेज पे बना के रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्लेन लैमिना का क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। अगर लैमिना अगर प्लेन है, यानी कि कोई भी प्लेन फिगर है या फिर फ्लैट फिगर है, तो उसके अंदर जो भी कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से पूरे बॉडी का वेट पास होता है, उसी को सेंट्रॉइड कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो ये बॉडी तीन स्टैंडर्ड शेप से बनी हुई है। तीन स्टैंडर्ड शेप को इसे देखो, सबसे पहला तो क्या दिख रहा है, ये बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है। उस स्क्वायर में ये ट्रायंगल कैसा है नहीं, मतलब ट्रायंगल को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। शेडेड पार्ट आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले स्क्वायर पार्ट में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस क्वार्टर सर्कल को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हम लोगों को जो हैश लाइन किया हुआ शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गए, क्या करना होगा, बड़े वाला एक स्क्वायर पार्ट लेना है, पहला पार्ट, उसमें से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना है और क्वार्टर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड सेंटर ऐसे लिखेंगे और बाजू में लिखा जाएगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज। यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ द लैमिना या फिर प्लेन लैमिना, टू फाइंड सेंट्रॉइड या फिर सिंपली सेंट्रॉइड लिखा तो भी लिखा, टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज या फिर राइटिंग या फिर मेकिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिखेंगे, राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आएगा फॉर द सीरियल नंबर, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। पहला कॉलम आएगा अपना सीरियल नंबर का, ये लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद कॉलम आएगा शेप के लिए, ये लिखा शेप। शेप के बाद लिखना है हमें एरिया, एरिया एरिया का यूनिट भी लिख देंगे, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हर जगह पर सेंटीमीटर है, यूनिट सेम होने चाहिए। अगर कहीं पर भी यूनिट चेंज है तो उसको कॉमन यूनिट में लिखना होगा। एरिया लिखा सेंटीमीटर। एरिया लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिख दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट दो रहेंगे, एक तो एक्स आई रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, वाई आई रहेगा। दोनों की लिमिट क्या रहेगी, इसका सेंटीमीटर में आएगा, इसका भी सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद क्या करना होगा हमें, ए आई एक्स आई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ए आई एक्स आई। तो ये ए आई लिखा और ये एक्स आई किया। उस ए आई सेंटीमीटर स्क्वायर में था, एक्स आई सेंटीमीटर में था, तो ए आई एक्स आई का यूनिट क्या रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला चलो, और यहाँ पर क्या रहेगा, ए आई वाई आई। ये जो आई है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसका भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। आई यानी कि क्या रहेगा, अगर पहला शेप अगर हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं और दूसरा शेप ट्रायंगल कर लेते हैं, तो वो आई उसके लिए स्टैंड कर रहा है, यानी कि जो पहला शेप लिया था सीरियल नंबर में एक्स आई वाई आई, वो उसके लिए स्टैंड कर रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग यहाँ पर कॉलम बना देंगे। देखो, यहाँ पर कॉलम बना दिया पेंसिल से, तो पहला सीरियल नंबर लेंगे हम लोग, बड़े वाले एरिया को लेंगे हम लोग हमेशा पहला सीरियल नंबर में। तो पहला सीरियल नंबर किसके लिए लिया जाता है, देखो यहाँ से 5 यूनिट है, यहाँ से भी 5 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट है, यानी कि ऊपर का कितना छूटा है, 4 सेंटीमीटर छूटा है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर यानी कि उसके आगे इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो बेसिकली हम लोग बड़ा सा शेप कौन सा ले रहे हैं, स्क्वायर का ले रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर का शेप लिखा दिया। ठीक है, उसका एरिया कितना होगा, 5 × 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स आई, एक्स आई यानी क्या, जब भी एक्स आई बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस रहेगा। क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। और जब वाई आई कहा जाएगा यानी कि उसका मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस रहेगा। देखो, एक्स आई यानी कि क्या कहा अभी अभी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है नीचे का बेस स्क्वायर का, वो कितना डिस्टेंस दूर है वाई एक्सिस से, 5 मीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है टोटल। देखो ये टोटल यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, विच इज़ द वाई, वाई से दूरी होगी ना ये 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो वाई से डिस्टेंस निकालना यानी कि वो इसके हाफ में होगा, फाइव के हाफ में होगा, तो फाइव का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा स्क्वायर के लिए, 2.5 डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अभी वाई कोऑर्डिनेट जब निकालना है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहाँ ये पूरा लाइन 5 सेंटीमीटर है, उसके आधे वाले पे रहेगा ना सी जी स्क्वायर के शेप में, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ होगा दोनों को। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट शेप में अभी शेप ले रहे हैं हम लोग क्वार्टर सर्कल, ये लिखा सेकंड, क्वार्टर सर्कल के उसका शेप दिखाया। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्वार्टर सर्कल तो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर दिख रही है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, पाई लिखा इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 स्क्वायर, अपॉन में क्या करना है, 4 करना है। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन मैंने सॉल्व कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर बाय 4 करने पर आंसर कितना आएगा,
पाई आता है ना, पाई यानी कि कितना रहेगा, 3.14 रहेगा, तो वो 3.14 लिख देंगे हम लोग एरिया, जो कि कैसा करना है, माइनस करना है एरिया। देखो ये पूरा प्लेन एरिया है ना, यानी कि स्क्वायर में से इस एरिया को माइनस करना है, तो क्या करना होगा, माइनस 3.14 लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा? ठीक है, नेक्स्ट केस में अभी क्या करना है, एक्स बार। एक्स बार यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इस क्वार्टर सर्कल के, ये वाई से जहाँ पर डिस्टेंस जितना भी आएगा वहाँ पर सी जी होगा। और वो डिस्टेंस कितना होता है क्वार्टर सर्कल के केस में, 4r/3π होता है। कितना होता है वो, 4r/3π। रेडियस तो 2 है, तो देखो ये 4 लिखा, 4r ऊपर, 4r कितना, रेडियस 2 है ना, 4r/3 × π करना है। तो वो उतना आंसर करने पर कितना आता है, देखो 0.8488 आता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट सिंपली 0.85 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 0.85 लिखा, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना क्वार्टर सर्कल, तो उसके कारण वो कैसे रहेगा, प्लस रहेगा। लेकिन क्वार्टर सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर हैश लाइन नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर में से क्वार्टर सर्कल का एरिया उड़ाना है यानी कि सबट्रैक्ट करना है, उसके कारण उसके एरिया को माइनस साइन दे दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट 0.85 आया हुआ समझा रहेगा सब लोगों को। इसी तरीके से जब मुझे yi निकालना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट निकालना है क्वार्टर सर्कल का, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालना है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना ऊपर होगा, उतना ही, दैट इज 4r/3π, जो कि सेम ही आएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 0.85 ही लिखेंगे नेक्स्ट केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस में अभी क्या करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया कंसिडर करना होगा। ये जो ट्राइंगल था ना, देखो यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाई है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस फाई है, तो ये तो 1 सेंटीमीटर, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल में ये भी साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, क्या, बेस भी 4 और हाइट भी 4। ठीक है, तो उसका एरिया कैसा रहेगा, 4 × 4/2 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? जो कि 8 यूनिट हमें कैसा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ट्रायंगल का एरिया भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये तीसरा शेप लिखा, तीसरा शेप ट्रायंगल का, ट्रायंगल इस तरीके से उल्टा, तो उसी तरीके से बनाया -8। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आया, ये साइड 4 था, ये साइड 4 था। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर ये बेस 4 है तो ये हाइट 4 है, उसी तरीके से -8 आ जाएगा। अभी ट्रायंगल का सी जी निकालना है, यानी कि सेंट्रॉइड निकालना है। एक्स आई यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल का पहला लेफ्ट टू राइट जाते पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, एपेक्स आ रहा है उस, अगर ये एपेक्स है उसके सामने वाला साइड बेस हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। देखो वाई से डिस्टेंस निकालना है ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का, क्या कहा, ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इस पॉइंट से वाई एक्सिस कितना पीछे, 1 सेंटीमीटर पीछे, और इस ये ट्रायंगल का पहला पॉइंट है, जो कि इसको हम लोग एपेक्स कह रहे हैं। एपेक्स के सामने वाला साइड क्या कहा मैंने, बेस का, तो एपेक्स और उसके सामने वाला साइड अगर बेस है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हाइट होगा। तो एपेक्स से सी जी हाइट के कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट होता है, कितना, 2/3 ऑफ हाइट, तो 2/3 इंटू ये हाइट कितना है, 4 है ना, तो 2/3 इंटू 4 करेंगे हम लोग, 2/3, देखो 2/3 इंटू किया 4। ठीक है, 2/3 इंटू 4 करने पर आंसर कितना मिलता है, 8/3, यानी कि 2.66। इतना क्लियर हो गया, तो उसको हम लोग 2.67 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इस एपेक्स से डिस्टेंस कितना आया सी जी का, 2.67 आया, लेकिन y एक्सिस इधर से कितना, 1 सेंटीमीटर पीछे था ना, यानी कि 2.67 में मुझे ये 1 ऐड करने पर कितना आएगा, एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा इस सेंट्रॉइड का, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 3.67। तो यहाँ पर x हम लोग कितना लिखेंगे, 3.67। इतना क्लियर हुआ होगा? उसी तरीके से अभी देखो ये ट्रायंगल कैसा था, आइसोसेलस था, ये भी साइड 4, ये भी साइड 4। अभी ये y कोऑर्डिनेट निकालना है कि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या निकालना है, x एक्सिस निकालना है। x एक्सिस यहाँ से पीछे कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से पहले पॉइंट आ रहा है, इसको कहेंगे एपेक्स, उसके सामने वाले साइड कहेंगे बेस, पिच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हाइट। तो एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, हमेशा एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट, हाइट तो इस केस में ये 4 ही है ना, तो 2/3 इंटू 4 करने पर आंसर सेम आएगा, 2.67, और ये 1 डिस्टेंस ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 3.67 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कितना लिखना होगा हमें, 3.67। उसके बाद क्या करना है, हम लोग जानते हैं क्या करना होगा, इस एरिया को यहाँ पर ai लिख देता हूँ, चलो इस एरिया को एक्स आई के साथ इंटू करना है, इस कॉलम में वैल्यू लिखनी है, सेम इस ai को नेक्स्ट केस में वाई आई के साथ इंटू करना है, और यहाँ पर ai के कॉलम में लिखना है। लास्ट में क्या करना होगा, समेशन ऑफ ai ऐड करके लिखना है, और यहाँ पर भी समेशन ऑफ ai एक्स आई बाजू में समेशन ऑफ ai yi ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो ये जो भी कॉलम आगे का मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ।
देखो एडिशन करने पर जो आंसर आ रहा है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। समेशन ऑफ ए आई इस कॉलम का एडिशन करने पर क्या आंसर कितना मिलेगा, 13.86। समेशन ऑफ ए आई एक्स आई इस कॉलम का एडिशन करने पर कितना आंसर आएगा, 30.47। और यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई वाई आंसर का कॉलम का एडिशन करने पर कितना आएगा, 30.87। इसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन का क्या दिया था, देखो 25 × 2.5 करने पर कितना आएगा, 62.5। वो कॉलम मैंने ऑलरेडी कैसे फिल करना है बता दिया था। इसके बाद देखो x बार कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई करना है अपॉन में समेशन ऑफ ए आई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था ना, जो कि फर्स्ट लेक्चर था हमारा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आई वैल्यू कितनी रहेगी, 30.47 अपॉन में डिनोमेटर में आई वैल्यू 13.86, ठीक है। तो इसको कैलसी से काउंट करने पर, कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिलेगा हमें, 2.2 ये मिलेगा, और उसका यूनिट लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर। इसी तरीके से y बार निकालने का भी फॉर्मूला होता है, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई हो जाएगा इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे, सेम वैल्यू सेम ही आएगा ना, इसका भी आंसर 30.47 अपॉन 13.86 करने पर आंसर कितना आने वाला है, 2.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर सेंट्रोइड का जी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स बार कितना लिखना है, 2.2 सेंटीमीटर के साथ लिखा, और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई बार 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इतना क्लियर। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट के ऊपर हमें और बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस सम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमिन द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन एज शोन, यानी कि शेडेड पोर्शन जो भी रहेगा उसका क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड यानी कि प्लेन लैमिनर रहेगा। तो डायग्राम ये दिया है, देखो डायग्राम में नीचे ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, पूरे स्क्वायर शेप में से हैश लाइन इसी वाले पार्ट पे आई है, तो उसमें से स्टैंडर्ड शेप कौन से, को सारे स्टैंडर्ड शेप दिख रहे हैं। पहला तो स्टैंडर्ड शेप दिख रहा है बड़ा वाला स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी होगी, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये क्वार्टर सर्कल 4 सेंटीमीटर का, यानी कि 4 + 6 ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर आया है। उसके अंदर किसको किसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक क्वार्टर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इस ट्रायंगल को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। पहले क्या लिखा जाएगा, टू फाइंड सेंट्रोइड, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, टू फाइंड सेंट्रोइड लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा कर दिया, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये टेबल एज फॉलोज इतना लिखा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर बनाएंगे, सबसे पहला कॉलम किसका रहेगा, सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर बनाने के बाद क्या करना है, हमें शेप लिखना है, शेप लिखने के बाद क्या करना है, एरिया लिखना है, एरिया लिखा, एरिया किस यूनिट में होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होने वाला है, तो उसको भी मेंशन कर दूंगा मैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, चलो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा, एरिया ए आई से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स का कॉलम आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखा, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स आई का, जिसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर, ब्रैकेट में डाला, यहाँ पे वाई आई रहेगा, जिसका भी यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करना है, हमें ए आई एक्स आई लिखना है, ये लिखा ए आई, बाजू में लिखा एक्स आई, और यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि ए आई स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, और एक्स आई सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होगा। उसी तरीके से ये ए आई और ये वाई आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब देंगे, इतना क्लियर है। ये जो कॉलम अभी अभी जो कॉलम बनाया ना मैंने अलग 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 नाम से, उनको हम लोग प्रॉपरली सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे उसको आगे वाला पार्ट में कॉलम अच्छी तरीके से बनाने वाला कर देता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर में सबसे पहले बड़ा वाला फिगर लिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर बड़ा वाला फिगर स्क्वायर का है ना, तो स्क्वायर को भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा लेफ्ट साइड पे 1, स्क्वायर का साइज़ कितना है, ये 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइड स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर का एरिया तो क्या लिखना होगा, ये पहले यहाँ पर शेप लिखा स्क्वायर का, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखना है। एक्स आई यानी कि वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, अभी देखो ये पूरा साइड कितना है, 10 है, इस 10 के आधे डिस्टेंस पर रहेगा ना सी जी स्क्वायर का, जो कि वाई से कितना डिस्टेंस दूरी पर होगा, 10/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है सिंप्लीफाई, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर स्क्वायर का ये पूरा वाला साइड कितना कितने दूरी पे खड़ा है, वो 10 सेंटीमीटर इस यूनिट पे खड़ा है। तो ये स्क्वायर के केस में वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना रहेगा, 5 यूनिट से रहेगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में अभी दूसरा शेप हम लोग ले लेते हैं, ये सेमी सर्कल ले लेता हूँ, कौन सा सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये लिखा सेकंड में, सेकंड में सेमी सर्कल इस तरीके से लिखा, ओरिएंटेशन उसका इस तरीके से लिखा, सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और रेडियस कितनी दिख रही है, 5 सेंटीमीटर यूनिट की दिख रही है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 करना है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 करने पर आंसर कितना मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 करने पर आंसर कितना आता है, 25 पाई बाय 2 यानी कि
39.2699 है, तो हम लोग उसके अलग क्या लिख सकते हैं, 39.27 ऐसा लिख सकते हैं। राउंड अप करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरा वाला डिजिट ही राउंड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 के आगे 9 दिख रहा है, तो तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीवियस वाला डिजिट को हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 39.27 लिखना होगा, जो कि एरिया सबट्रैक्ट करना है सेमी सर्कल का। तो उसको क्या लिखना होगा, पहले एरिया के सामने माइनस देना होगा, तो -39.27, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी क्या, एक्स आई यानी कि एक्स आई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेमी सर्कल फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये टोटल डिस्टेंस कितना है इस सेमी सर्कल के बेस तक का कितना है, 10 था, ठीक है। लेकिन सेमी सर्कल का सेंट्रोइड हमेशा कैसा होता है, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, तो सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे सेमी सर्कल का सेंट्रोइड आने वाला है, लेकिन उसका डिस्टेंस निकालना हमें वाई एक्सिस से, ठीक है। तो वाई इसी लाइन पे, वो यहाँ से आगे हो सकता है, यहाँ से इतना आगे हो सकता है, इतना आगे हो सकता है, लेकिन इतना हमें पता है बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या, कि सेमी सर्कल में उसका सेंट्रोइड उस तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, इतना तो क्लियर। लेकिन वो बेस से कितना ऊपर होता है, 4r/3π, कितना, ये बेस है ना सेमी सर्कल का, उससे सीजी कितना डिस्टेंस ऊपर रहेगा, 4r/3π। रेडियस कितनी है, 5 इस केस में, तो 4r/3π करने पर देखो कितना आंसर मिलता है, 4r यानी कि 5/3π। तो 4r/3π करने पर आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, जो कि कितना आता है, 2.12 आता है। तो यहाँ से सीजी कितना दूर है, यहाँ से सी जी कितना दूर है, 2.12, लेकिन यहाँ से नहीं निकालना हमें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 है ना, तो 10 माइनस 2.12 करने पर हमें रिक्वायर्ड सी जी मिल जाएगा ऑफ द सेमी सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, 10 माइनस 2.12, तो ये 10 माइनस 2.12 किया, उसका आंसर कितना आएगा, 7.88, ठीक है। इसका मतलब सेमी सर्कल का सी जी एक्स आई वाला डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो रहा है, 7.88। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, 7.88 लिखना होगा सिंपली, इतना क्लियर हो गया। और वाई आई सेमी सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर सिमेट्री पे किस कौन कितने डिस्टेंस पे आएगी, 5 सेंटीमीटर पे आएगी, यानी कि ये कितना रहेगा, ओनली 5 हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में देखो अभी क्या करना है, अभी हम ट्राइंगल का एरिया कंसिडर करते हैं। देखो कि तीसरा वाला शेप ले लेते हम लोग ट्राइंगल के लिए, थर्ड लिखा सीरियल नंबर, ट्रायंगल इसी तरीके से उसी तरीके का डायरेक्शन बता दिया, ट्रायंगल को ही नोटिस करना है। ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बेस 3a, हाइट 6 है, 6 3 जा कितना होता है, 18, 18/2 करने पर कितना आएगा, 9, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा करना है, सबट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -9, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी xi यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर ट्रायंगल का साइड दिख रहा है ये आया हुआ, अगर ये साइड को हम लोग बेस बोल देते तो उसके सामने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा, ये हो गया बेस, और उसको हम लोग उसके सामने वाले पॉइंट को क्या बोल दिए, एपेक्स बोल दिए। तो ये बेस और ये एपेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहता है, हाइट कहते हैं उसको, ठीक है। ये बेस हो गया, अगर ये उसके सामने का पॉइंट एपेक्स है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो इस बेस से हमें डिस्टेंस निकालना है ट्राइंगल का, इस बेस से हमें ट्राइंगल का डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। तो वो कितना, बेस से सी जी कितना दूर होता है ट्राइंगल में, 1/3 of height, क्या कहा, बेस से ट्राइंगल में सी जी कितना दूर होता है, हाइट के 1/3 times of height। तो हाइट तो कितनी है, 3 हो गई ना, 1/3 × 3 करने पर कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, और जो कि राइट साइड में यानी कि एक्स आई डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस फॉर द ट्रायंगल कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिंपली 1 लिखना है, इतना क्लियर है। अभी देखो वाई आई निकालना, वाई आई यानी कि क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के वक्त ये वाला साइड एक्स एक्सिस पे आता है ट्रायंगल का, ये वाला साइड एक्स एक्सिस पे आता है, तो उसको कहेंगे अभी बेस, तो उसके सामने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एपेक्स, ये एपेक्स और ये जो बेस माना था ट्रायंगल का साइड को, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। ट्रायंगल के केस में सी जी कितना दूर होता है बेस से, 1/3 of height, तो 1/3 × 6 करने पर कितना आएगा आंसर, 3 आएगा, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कैसे होते हैं, प्लस होते, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, इतना क्लियर है, 2 लिखना होगा, क्योंकि 1/3 × 6 करने पर कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2, इतना क्लियर। ये 1 था, 1 को जरा प्रॉपरली लिख देता हूँ, ये 1 था, इतना समझा रहेगा। नेक्स्ट केस में अभी कौन सा एरिया कंसिडर करना है, इस क्वार्टर सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या रहेगा, πr² / 4। रेडियस कितनी यूनिट की दिख रही है, 4 यूनिट की दिख रही है, तो ये लिखा पाई, रेडियस है πr² / 4 करने पर आंसर कितना आएगा, 4πr आए, यानी कि 12.56
6 दिख रहा है ना, 56 दिख रहा है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 12.57 लिख सकते हैं, जो कि क्वार्टर सर्कल का एरिया भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये माइनस किया 12.57 लिखना होगा, और यहाँ पर क्वार्टर सर्कल का एरिया दिखाते जिस शेप में ओरिएंटेशन में आया वैसे, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखो क्वार्टर सर्कल सर्कल में क्या करना होगा, देखो क्वार्टर सर्कल में सी जी कितना दूर होता है, ये वाले साइड से 4r/3π डिस्टेंस दूर होता है, और ये वाले साइड से भी कितना दूर होता है, 4r/3π। क्वार्टर सर्कल का मुझे एक्स आई निकालना है कि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वे क्वार्टर सर्कल ये वाला बेस का साइड तो वाई एक्सिस पे ही है, यानी कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा वही डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल को देखेंगे, क्वार्टर सर्कल का एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, जो कि कितना है बाय फॉर्मूला 4r/3π, जो ये फॉर्मूले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो 4r/3π लिखना है ना, तो रेडियस कितनी है, 4 ही है, तो 4r लिखा अपॉन 3π, 3 × π, और डिस्टेंस कितना आएगा, 1.697 है, तो हम लोग सिंपली 1.7 लिख सकते हैं, क्लियर है ये। तो एक्स आई क्वार्टर सर्कल का कितना आया, 1.7 आया, तो यहाँ पे लिखना होगा 1.7, ये 1.7 लिखा। अभी देखो यहाँ से भी डिस्टेंस उतना ही आने वाला है, कितना 1.7 ही आने वाला है, लेकिन ये यहाँ से आएगा, y जब निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ से कितना आ रहा है 1.7, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या कर जाएगा, 10 − 1.7 करना होगा सिंपली, ठीक है। तो देखो यहाँ से सी जी का डिस्टेंस कितना हो रहा है, क्वार्टर सर्कल के इसमें 1.7 हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है ना, जब हम लोग y कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो 10 माइनस क्या करना होगा, 1.7 करना होगा, तो 10 − 1.7 करने पर आंसर कितना आएगा, 8.3, तो यहाँ पर लिखना होगा 8.3। इतना क्लियर है, इतना सब कुछ फील करने के बाद आगे का पार्ट बहुत सिंपल हो जाता है, क्या करना होता है, देखो ये ए आई इंटू एक्स आई है ना, तो ए आई एक्स आई यहाँ पर लिखेंगे, ए आई वाई आई यहाँ पर लिखेंगे, 100 × 5 सिंपली कितना हो जाएगा, 500, नेक्स्ट 100 × 5 अगेन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, इसी तरीके से ये ए आई का अपने अपने रिस्पेक्ट टू कॉलम के साथ एक्स आई और वाई आई के साथ इंटू करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट में क्या करना है, समेशन ऑफ ए आई का मुझे यहाँ पर एडिशन करना होगा, सिमिलरली ये जो वैल्यूज आ जाएगी इनका भी समेशन ऑफ ए आई एक्स आई लिखना है, साथ में समेशन ऑफ ए आई वाई आई लिखना है, जहाँ पर एरिया माइनस है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर रिस्पेक्ट टू माइनस में आएगा, तो आगे का कैलकुलेशन मैं यहाँ पर ऑलरेडी करके रखता हूँ, ठीक है। देखो आगे का कैलकुलेशन वाला पार्ट ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई कितना लिखा है, 39.16, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई ये वैल्यू मल्टीपल करने के बाद जो है ये वो लिख दिया है, उसका एडिशन कितना है, 160.18, और समेशन ऑफ ए आई वाया इस कॉलम का लास्ट में सबका एडिशन करने पर कितना मिलता है आंसर, 181.32, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स बार निकालने के लिए देखो ये लाइन यहाँ पर मैं ऐसा लास्ट में एक लाइन बना देता हूँ, इतना बना दिया, उसके बाद देखो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, तो वैल्यूज आई हुई यूज़ करनी है, ये कितना रहेगा, 160.18 अपॉन में समेशन ऑफ ए आई दैट इज 39.16 इज इक्वल टू, इसका डिवीजन करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है, 160.18 डिवाइडेड बाय 39.16 करने पर आंसर कितना मिलेगा, 4.09, तो सिंपली हमें लिखना है 4.09 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड y बार लिखा, y बार इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई, ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आता है, 181.32 अपॉन 39.16, तो इसको डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा हमें 4.63 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, बस तो लास्ट में क्या लिखना है, फिर इसी को हम लोग लास्ट में जी लिख कर लिख देंगे, ठीक है। देखो ये पिछला एक लाइन था उसको मिटा दिया, देयरफॉर जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4.09 सेंटीमीटर कॉमा 4.63 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि बहुत सारे सम प्रैक्टिस करने हैं, तो और एक सम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन शोन, तो उसका डायग्राम यहाँ पर तो नहीं बनाया, उसका डायग्राम मैंने अलग से साइड में बनाया, तो डायग्राम इस तरीके से है, जिसमें कितने स्टैंडर्ड शेप दिख रहे हैं, एक तो बड़ा वाला एक सेमी सर्कल दिख रहा है, वो स्टैंडर्ड शेप हो गया, उसके अंदर हम लोगों को ये छोटा वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करना है, जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और एक ट्रायंगल भी दिया है सेमी सर्कल के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल के एरिया को हमें ऐड करना होगा,
किसमें ऐड करना होगा, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में, जो उससे ये छोटे वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ख्याल रखना होगा। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो देखो आंसर के लिए शुरुआत जब मुझे करनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ, तो क्या लिखा जाएगा, पहले तो टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखेंगे हम लोग। टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखा, टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ये लिखा राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने के बाद हम लोग कॉलम बढ़ाएंगे। कॉलम में क्या क्या लिखना होता है, सीरियल नंबर लिखना होता है, उसके बाद शेप, एरिया, ठीक है। एरिया लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आर, उसके बाद ए आई एक्स आई और ए आई वाई आर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कॉलम बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो कॉलम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले डायग्राम में सबसे बड़ा बड़ा वाला फिगर कौन सा दिख रहा है, ये सेमी सर्कल का दिख रहा है ना, तो उसको कंसिडर करते हैं हम लोग। सेमी सर्कल का एरिया ये सब नंबर वन दिया सीरियल नंबर में, सेमी सर्कल जिस तरीके से बना उस जिस ओरिएंटेशन बना उसी ओरिएंटेशन में लिखा, ड्रा कर दिया। उसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू रहेगा। रेडियस कितनी है, ओ से लेकर बी तक की रेडियस है, जो कि कितनी दिख रही है यहाँ पर, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिखा है ना, कैपिटल आर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा एरिया कैसे रहेगा, पाई स्क्वायर बाय टू, ये पाई लिखा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर अपॉन 2। तो एरिया कितना होता है, 32 पाई यानी कि कितना, 100.53, ठीक है। तो एरिया लिख दिया 100.53, ये लिखा 100.53, ठीक है। अब ये बड़ा वाला सेमी सर्कल कौन से एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, देखो उधर से ये वाई एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस को अगर हम लोग नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर बड़ा वाला सेमी सर्कल कैसे हो रहा है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अगर वाई किसी एक्सिस पर कोई फिगर अगर सिमेट्रिकल है तो उसके अपोजिट वाला एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अभी का सेमी सर्कल वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तो उसका डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद वाई आई निकालना है, वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी देखो एक्स एक्सिस के ऊपर बड़े वाले सेमी सर्कल का बेस आया हुआ है, बेस से सी जी कितना दूर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 4r/3π। रेडियस कितनी है, 8 है, तो देखो 4 × रेडियस लिखा 4r, 4 × रेडियस लिखा 8/3π करना है, तो upon 3 × π किया, तो 4 × 8/3 कितना आंसर मिलता है, 3.395। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3.4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस से सेमी सर्कल का सी जी कितना दूर होता है, 4r/3π, वो काउंट करने पर कितना आया, 3.395, यानी कि 3.4 लिख सकते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है ना, तो हम लोग उसको क्या लिखना होगा, -3.4 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर वाई आई कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा, -3.4 आएगा। वो लिख दिया, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया लिखा, उसके एक्स आई और वाई आई कोऑर्डिनेट लिख दिए। इसके बाद दूसरा वाला फिगर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल का। ट्रायंगल इस तरीके से बनाया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया बना दिया, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो बेस कितना, ये ओ बी जितना है, हाइट ए बी नहीं पता, तो हाइट ए बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये साइड में लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी लिखा, या फिर ओ बी ए कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। तो एंगल ओ कितना पता है हमें, एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ था, और ओ बी कितना दिया उन्होंने, ओ बी कितना दिया है, ये देखो ये रेडियस है ना, तो ओ बी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। टेन 60 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है हमेशा, अपोज टेन यानी कि क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होगा ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये ए बी अपॉन कितना लिखा, ओ बी किया, ठीक है। तो ये ओ बी तो हमें पता है जो कि कितना था, वापस लिख देते हैं, टेन 60 इज इक्वल टू ए बी अननोन है ना, तो ये ए बी अननोन का ऊपर लिखा अपॉन, ओ बी कितना पता था, 8 है ये पता था, तो 8 × क्या हो जाएगा, 8 × 10 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो ए बी की वैल्यू, ए बी मतलब ही हाइट है, राइट, ए बी मतलब ही हाइट है, और टेन 60 कितना होता है, √3 होता, तो 8√3 कितना, किसका आंसर आ जाएगा, ए बी के लिए। तो हम लोग √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.71 होती है, 1.73 होती है, तो उसको मल्टीपल करने पर 8 × 10 60 मल्टीपल करने पर कैल्सियम आंसर कितना मिलेगा, 13.856 मिलता है। तो हम लोग उसको डायरेक्टली 86 लिख सकते हैं, और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ए बी कितनी मिली ट्रायंगल के केस में, 13.86 मिली। इसको डायरेक्टली यूज़ करना है एरिया निकाल दे, ठीक है, जो कि एरिया ऐड हो रहा है ना ट्रायंगल का, तो वहाँ पर कोई सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 ये किया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 8 है, और हाइट कितनी आई, 13.87 तो आंसर कितना मिलता है ट्रायंगल के एरिया का, 55.44, ठीक है।
तो ये ट्राइंगल का एरिया लिखा 55.44, ये एरिया लिखा। अभी क्या निकालना है, ट्राइंगल का एक्स आई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन लाइन बना देते हैं, एक्स आई और वाई आई जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके बीच में एक लाइन निकालना रह गया था, वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी क्या निकालना है, ट्राइंगल का एक्स आई और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये ओरिजिन पे वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। एक्स आई यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एपेक्स है, सामने वाला साइड हो गया ब्रेक्स, इधर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये एपेक्स है उसके सामने वाला साइड बेस हो जाएगा, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यानी कि एपेक्स से सीजी कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट, कितना 2/3 ऑफ हाइट, यानी कि 2/3 इंटू हाइट कितना 8 है, तो 2/3 इंटू 8 करने पर जो भी डिस्टेंस होगा वो रहेगा हमारा एक्स आई। तो 2/3 इंटू 8 करने पर आंसर कितना आएगा, 5.33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5.33 लिख दिया। अभी क्या निकालना है, वाई निकालना है, वाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से सीजी का डिस्टेंस निकालना है ना, ट्रायंगल का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से निकालना है वाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ट्रायंगल का ये वाला साइड एक्स एक्सिस पर आया तो इसको कहेंगे बेस, उसके सामने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा। तो ये बेस है और ये उसके सामने वाला पॉइंट है एपेक्स, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग, हाइट कहेंगे, जो कि ये हाइट कितनी रहेगी, 13.86 रहेगी। ठीक है, तो बेस से सीजी कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, क्या कहा, बेस से सीजी कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट। तो 1/3 इंटू 13.86 करने पर जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा वाई आई, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के लिए। ठीक है, तो देखो 1/3 इंटू 13.86 करने पर आंसर कितना मिलता है, 4.62। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसको प्लस में लिखना होगा, 4.62 इतना हो गया। अब ये छोटा वाला क्वार्टर सर्कल नहीं सेमी सर्कल, वो भी इसी ओरिएंटेशन में दिया है, तो उसी ओरिएंटेशन में लिखा, छोटा वाला सेमी सर्कल था ना ये, उसका एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस कितनी है, 3 है। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर बाय 2 करने पर उसका एरिया कितना मिल जाएगा हमें, छोटे वाले सर्कल का, जिसको सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस भी करना होगा, ये लिखा पाई, रेडियस कितनी है, 3 है, 3 स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 करने पर आंसर कितना मिलता है, 9/2 पाई, यानी कि 14.137 है, तो तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता तो उसको प्रीवियस वाला 1 से बढ़ाएंगे, यानी कि क्या लिखना होगा, 14.14 लिखना होगा, एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है छोटे वाले सेमी सर्कल का, उसके कारण माइनस ऑलरेडी दे दिया था, तो एरिया कितना आया अभी कैलकुलेट करने पर, 14.14 आया। इतना क्लियर है। अभी देखो ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल है वो आप उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर रहेगी, राइट, यहाँ पर होगी, और उसका डिस्टेंस क्या निकालना, एक्स आई, एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकालना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ ये ओ से लेकर इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो 8 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है। ठीक है, ओ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होकर 8 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, जो कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आया ना, यानी कि क्या होगा -5 होगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ पर, -5 आएगा। इतना क्लियर हुआ होगा, सेमी सर्कल का एक्स आई कोऑर्डिनेट -5 आया हुआ समझा रहेगा। देखो यहाँ से वाई एक्सिस से पीछे डिस्टेंस जाएगा तो -5 रहेगा। अभी इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या आने वाला, सीजी आने वाला है किसका, छोटे वाले सेमी सर्कल का, जो कि बेस से हमेशा कितना डिस्टेंस दूर रहेगा, 4r/3π, रेडियस कितनी है, 3 है, 4r/3π, यानी कि 3 कैंसिल, 4/π करने पर आंसर कितना मिलेगा, 1.27 आ जाएगा राउंड अप करने पर। ठीक है, जो कि इस लाइन से नीचे है ना, एक्स एक्सिस इस लाइन के नीचे वाला डिस्टेंस आ रहा है, वो क्या लिखना होगा, फिर माइनस लिखना होगा, तो वो कितना लिखेंगे हम लोग, -1.27। ठीक है, इतना लिखा हुआ समझ आएगा, फिर -1.27 आएगा। इसके बाद कॉलम में क्या क्या फिल करना है आप लोगों को पता है, समेशन ऑफ ए आई ऐड करना होगा, ए आई एक्स आई यहाँ पर लिखेंगे, ए आई एक वाई आई यहाँ पर लिखेंगे, सबका एडिशन करना होगा, तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए आई एक्स आई और ए आई वाई आई कॉलम बनाकर उनका एडिशन करने वाला पार्ट, और यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई करने वाला पार्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो आगे के रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ पे फिल कर दिया, समेशन ऑफ ए आई ऑलरेडी लिख दिया है, उसके बाद समेशन ऑफ ए आई एक्स आई लिखा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई का समेशन लिख दिया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार निकालने के लिए। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी है, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई के 366.2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू 141.83। इसका डिवीजन करने पर आंसर कितना मिलेगा हमें, 2.58 यूनिट लिखना ज़रूरी है, सेंटीमीटर। उसके बाद एंड वाई बार लिखेंगे, वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई
अपॉन समिशन ऑफ ए आई आएगा इज इक्वल टू समिशन ऑफ ए आई वाई की वैल्यू कितनी आती है -67.71 अपॉन 141.83। इसको डिवाइड करने पर आंसर कितना मिलता है -0.48 आएगा, ठीक है -0.48 सेंटीमीटर। लास्ट में चाहते तो ये ऑप्शनल रहेगा, ऐसा लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। जी इज इक्वल टू यानी कि सेंट्रोइड पहले 2.58 सेंटीमीटर कॉमा -0.48 सेंटीमीटर, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 2 सम किए थे, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 सम किए थे और आगे के नेक्स्ट लेक्चर में भी और हम लोग सेंट्रोइड के ऊपर बहुत सारे सम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ रहेगा। अगर आप लोगों को हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोप्लेनर और फोर्स ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इक्विलिब्रियम के भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये इंजीनियरिंग का चैप्टर है फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वो भी मिल जाएगा और दूसरे टॉपिक भी मिल जाएगा। प्ले थ्रिस्ट को थ्रू करने पर आपको जो रिक्वायर्ड चैप्टर चाहिए उसकी प्लेलिस्ट आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आज के इस लेक्चर में किसी प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।